हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डबल फ्रिल बाजू की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने फोर फोल्ड कपड़ा कर लिया है। फ्रेंड्स देख लेना, इसी तरह से हमने ये कॉर्नर पे निशान लगा के और बराबर बराबर दूरी पे ये निशान लगा देना। फ्रेंड्स हमने 6-6 इंच की दूरी आई है हमारी, और फिर इस निशान से कट कर लेना है डबल फोल्ड। और ये दोबारा से फोल्ड करके फ्रेंड्स ये हमने इससे एक एक 1.5 इंच एक्स्ट्रा और निशान लगाना है। फ्रेंड्स हमने फोर फोल्ड करना है इसको। फ्रेंड्स कॉर्नर पर से निशान लगाना है हमने बराबर बराबर दूरी पे। इस तरह से हमने ये डबल फ्रिल बाजू की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स ऊपर से ये हमने 1.5 इंच ले लिया कॉर्नर पर से, इसको कट कर लेना है। ये हमारी डबल फ्रिल बाजू की कटिंग हो गई। फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखिए ये सर्कल बना लेना है, दो, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल बना लेना है। फ्रेंड्स और ये बिल्कुल किनारी किनारी पर से हमने ये जहाँ से फोल्ड हमारा वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स ये दोनों साइड से कटिंग करनी है हमने। इस तरह से हमारी डबल फ्रिल रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स दोनों बाजुओं की डबल फ्रिल रेडी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये हमने इसको फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा फोल्ड करना है। फ्रेंड्स ये देखिए जितना बारीकी से फोल्ड करेंगे हमने पिको की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बाजू फोल्ड होंगी। फ्रेंड्स और ये एक सिलाई करनी है हमने और फिर से इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। एक बार और हमने इसको बिल्कुल बारीकी से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स हमने बिल्कुल पिको की तरह ही फिनिशिंग हो आएगी हमारी इसकी बाजू की। अगर हम पिको चाहें तो पिको भी करवा सकते हैं, वरना ये सिलाई भी हमारी बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स दोनों इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को भी फोल्ड करना है, मतलब दूसरे फ्रिल को भी इसी तरह से हमने दोनों बाजू की फ्रिलों को इसी तरह से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ। इस तरह से सीधा करके बड़े पार्ट को और छोटे पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। फ्रेंड्स हमने इनको फोल्ड करके फिर ये दोनों बाजुओं के जो ये ऊपर से हमारा घेरा है ये थोड़ा छोटा पड़ेगा फ्रेंड्स, तो ये हमने थोड़ा और बड़ा लेना है, ये 3-3 इंच लेना है, बाकी का हमने कट कर देना है। फ्रेंड्स ऊपर से हमने बाजू की फिटिंग के हिसाब से निशान लगाना है, इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स हमने अब हमने इसको बाजू पे अटैच करना है। ये हमने बाजू ले ली है फ्रेंड्स और ये राइट साइड मिला के हमने इसको सिल लेना है। बिल्कुल अच्छे से सेट करके सिलना है। फ्रेंड्स हमने इसके 3 पार्ट आए हमारे, 2 बाजू के फ्रिल के ऊपर और 1 बाजू का, और इसको इस तरह से सीधा करके फिर एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करके सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स ये हमारी डबल फ्रिल बनाना भी।
इसी तरह से हमने दोनों बाजुओं को रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। और इस पर ये सीधी सिलाई लगानी है, ऊपर से साइड वाली ये सिलाई लगा के ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसकी कटिंग करनी है। फिर हमने इस तरह से हमारी जो ये डबल फ्रिल है इसको, ये हमारी तैयार है, सीधा कर लेना है हमने। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल भी पिको ऐसे नहीं लग रही कि हमारी पिको नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छे बारीक सिलाई होने के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती हैं हमारी बाजू। ये देखिए दोनों बाजुओं को रेडी कर लिया हमने, और ये दूसरी बाजू है हमारी। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे फ्रेंड्स हम। ये देखिए बिल्कुल प्रेस होने के बाद बिल्कुल अच्छी लग रही है फ्रेंड्स ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।